गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी द पोएम रेनबो। फर्स्टली यू विल ड्रॉ एंड कलर अ ब्यूटिफुल रेनबो एंड डोंट मिक्स द कलर्स। सबसे पहले आप पोएम लिखने से पहले, ये आपकी पोएम है, इसको लिखने से पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी उसी पेज पे ड्रॉ करेंगे पोएम रेनबो को। एंड डोंट मिक्स द कलर्स, इट शुड बी इन दिस ऑर्डर ओनली, स्टार्टिंग फ्रॉम विब गियो टाइप, वी आई बी जी वाई ओ आर। अब आप पूछेंगे कि वॉट इज दिस, फुल फॉर्म कहाँ है कलर का, तो वी फॉर वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, O for orange and R for red. It means ये सारे के सारे कैसे कलर हुए। अभी फुल फॉर्म मैंने सबके कलर नेम बताया आपको। कलर नेम का जो फर्स्ट लेटर है, अगर आप उसको लेके यहाँ पर लिखेंगे V I B G, G for green, Y, Y for yellow, O, orange. What is this? Red color. Red. Vib gyor. अगर ये आप याद कर लेंगे, कभी भी आपके रेनबो के कलर्स ना ही मिक्स होंगे और ना ही रॉन्ग होंगे. अंडरस्टैंड? यू विल नेवर मेक अ मिस्टेक. ड्रॉ द रेनबो टू. ओके, नाउ यू विल स्टार्ट राइटिंग योर पोएम. फर्स्टली वी विल रीड इट. Boats sail on the rivers and ships sail on the seas, but clouds that sail across the sky are prettier than these. There are bridges on the river as pretty as you please, but the bow, it is a bow, B-O-W, rainbow ka bow, okay, bow that bridges heaven and overtops the trees. Ye ek saath likhna hai aapko, overtops. And builds, apostrophe S, builds a road from earth to sky. And last line is prettier far than these. Remember students, it is a far, not for, F-A-R, far, far than these. Here one thing more students, ये आपको जब पोएम आप लिखेंगे, यू विल राइट द पोएम, देन यू विल गिव द नंबर्स फ्रॉम ईच लाइन टू ईच लाइन, यू विल गिव द नंबर. फर्स्ट लाइन बोट सेल ऑन द रिवर्स, सेकेंड लाइन एंड शिप सेल ऑन द सीज, थर्ड फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन. हाउ मेनी लाइन्स आर देयर? टेन लाइन्स. Now I will explain it. Boats sail on the rivers. Boat क्या होती है? River में तैरती है. And ships sail on the seas. And ships, do you know ships? Okay. Ships sail on the seas. What is the meaning of seas? Rivers, nadi, seas, samudra. शिप्स कहाँ रहते हैं? समुद्र में तैरते हैं. बट क्लाउड्स, लेकिन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाउड्स? बादल. लेकिन बादल दैट सेल अक्रॉस द स्काई, पूरे स्काई में तैरते हैं या होते हैं. आर प्रिटियर देन दीज, ये सारे के सारे देखने में अच्छे लगते हैं. देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर, रिवर के ऊपर
ब्रिजेस बने होते हैं, आप देखते हैं रिवर के ऊपर पुल बने रहते हैं, एज प्रिटी एज यू प्लीज, जैसे कि आपको देखने में अच्छा लगता है वो। बट द बो दैट ब्रिजेस, लेकिन उन ब्रिजेस में जो धनुष के तरीके का, बो मीन्स धनुष, धनुष के आकार का, इस टाइप के शेप का जो ब्रिज के ऊपर बना रहता है, नेकलाइन हेवन, जो धनुष के आकार का हेवन के तरीके का एक शेप बना रहता है, एंड ओवर टॉप्स द ट्रीज, और वो ट्री के भी ऊपर से वो के मतलब वो शेप आपने देखा है रेनबो स्काई में, वो ट्री के भी ऊपर से ऐसे करके आता है शेप में, एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, और एक रोड बनाता है अर्थ से स्काई तक की, जहाँ पर हम रहते हैं अर्थ धरती से स्काई आसमान तक के लिए एक रोड बनाता है उस शेप से, किस शेप से, रेनबो लाइक दिस, ओके, इज प्रिटियर फार देन दिस, ये बहुत दूर होता है और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, प्रिटियर बहुत सुंदर, ओके। नाउ लेट्स योर होमवर्क, लर्न पोएम द रेनबो विथ करेक्ट स्पेलिंग्स, लर्न पोएम द रेनबो विथ करेक्ट स्पेलिंग्स, ये आपको पूरा पोएम लिखने के बाद मुझे अभी सी डब्ल्यू वर्क में इसको शो करेंगे आप, एंड यू विल लर्न इट प्रॉपरली इन योर होमवर्क विथ करेक्ट स्पेलिंग। थैंक यू।